हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मसालेदार मैजिक में। आज मैं आपके लिए एक खास रेसिपी लेकर आई हूं। ये है बेसन और सूजी का चीला। इस चीली को मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया है जैसे कि हम शादी ब्याह में खाते हैं ना, उस तरह का ही हमने यहाँ पर ये चीला बनाकर तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ ये 2 कटोरी बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो पैकेट वाला होता है, वो मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। ये 2 कटोरी मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है और 2 कटोरी बेसन के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 कटोरी सूजी। सूजी से ना एकदम क्रिस्पीनेस आएगी और जो चीला है वो काफ़ी अच्छा बनेगा हमारा। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ये नमक, थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच और इन्हें मिक्स कर दूंगी। और अब इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो ये बैटर है हमारा इसमें गांठ पड़ जाएंगी और जो चीला है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का हमने यहाँ पर ये घोल तैयार कर लिया है, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो घोल हमारे यहाँ पर तैयार है और इस घोल को अब थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे रेस्ट के लिए, क्योंकि जो सूजी है वो सूजी थोड़ा पर टाइम लेती है फूलने के लिए। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद अब क्या करना है, इसे लेंगे हम घोल को और इसे एक मिक्सी के जार में डालकर एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। तो मिक्सी में मैंने इसे ऐड कर दिया है और अब इसे इस तरह से हम इसका बारीक सा एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए हमारा बैटर यहाँ पर बनकर तैयार है। बिल्कुल इस तरह की ही कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो बैटर हमारा तैयार है, इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए आप, इस तरह का घोल हमें यहाँ पर चाहिए चीले बनाने के लिए। ये देखिए, शुरू में आप पानी कम ही डालें। अगर आपको लगता है कि आपका घोल थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें आप बाद में पानी डाल लें। अगर आपने स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पानी डाल दिया तो घोल पतला हो जाएगा। और यहाँ ली है मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज, इन्हें आप बारीक बारीक काट लें या आप इस तरह से इसमें डालकर इसे बारीक बारीक कर लें। लीजिए हमारी प्याज यहाँ पर हो गई है, तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब ऐसे ही हम शिमला मिर्च को भी डालकर बारीक बारीक कर लेंगे। अगर आपको कोई और सब्जी पसंद हो तो जैसे गाजर हुई या मटर हुई, उन्हें भी आप इसी तरह से इसमें डालकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप मटर ले रहे हैं तो मटर आप बॉईल लें, या वो जो मार्केट में मिलती है फ्रोजन मटर, उस मटर को भी ले सकते हैं। या गाजर वगैरह ले रहे हैं तो आप इसी तरह से इसमें बारीक बारीक काट लें। और अब करते हैं मसाला तैयार। तो मसाला के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा ये गर्म मसाला है और थोड़ा सा यहाँ पर ये ले रही हूँ मैं भुने जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच और साथ ही ये 1 बड़ा चम्मच भरकर धनिया पाउडर और ये है काला नमक और थोड़ा सा ये स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक और थोड़ा सा ये आमचूर का पाउडर। इन सभी को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस मसाले में मैं थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ये 1 कटोरी में पानी लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ये नमक और तवे को हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। और जब तवा गर्म हो गया है तो यहाँ पर इस पर थोड़ा सा मैंने नमक का पानी डालकर इस तरह से कपड़े से पोंछ दिया है। और अब 1 चम्मच बैटर लेंगे हम बेसन वाला और इस तरह से इसे गोल गोल ऐसे घुमाते हुए जैसे डोसा बनाते हैं उस तरह से इसे ऐसे घुमाते हुए बड़ा कर लेंगे। और जब ये नीचे से 2 से 3 मिनट सिकते हुए हो जाएंगे तब इसके ऊपर लगा देंगे हम ये ऑयल, या बटर वगैरह भी लगा सकते हैं आप। और साथ ही जो हमने सब्जियों को चॉप करके रखा था उन सब्जियों को इसके ऊपर से ऐड करेंगे। सब्जी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं ये पनीर। आप पनीर डालना चाहें तो पनीर डाल लें, या फिर आप चीज़ डालना चाहें इसमें तो चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पर पनीर भी रख दूँगी चारों तरफ। और पनीर डालने के बाद इस पर डाल रही हूँ मैं
ये मसाला जो हमने मसाला तैयार करके रखा है ना, उस मसाले को इस पे ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। और गैस की फ्लेम को यहाँ मंदा करके ही रखा है मैंने, और मंदी गैस पर ही हम इसे चारों तरफ तवे को घुमाते हुए अच्छे से पका लेंगे ढककर। 2 से 3 मिनट का टाइम इसमें लगेगा पकने में, लेकिन हमारा चीला 2 से 3 मिनट में एकदम बेहतरीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे छुटा लेते हैं नीचे से। हमने ऑयल इसमें नीचे तवे पर नहीं लगाया है, सिर्फ ऊपर ही लगाया है हमने एक साइड ऑयल। और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब पहले आप छुटा के देख लें नीचे से कि आपका जो चीला है ये सिक गया है नीचे से या नहीं। जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाए तब आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। ये लीजिए, और निकाल लेते हैं एक प्लेट में अब इसे। ये पहला चीला मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो इसमें हरी मिर्च वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड करी हैं। लेकिन अब जो हमारी ये बची हुई सब्जियां हैं, इसमें मैं कुछ और सब्जियां डालूंगी, जैसे कि हरी मिर्च हैं, हरा धनिया है और टमाटर। मेरे बच्चे इन सब्जियों को नहीं खाते हैं, टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिया को, तो मैंने इन्हें स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में। लेकिन अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और अब दोबारा से हम फिर एक चीला बनाएंगे इस तरह से। बेसन को डालकर जैसे डोसे का बैटर फैलाते हैं इस तरह से फैला लें, और ऊपर से रिफाइंड ऑयल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल या बटर वगैरह, घी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर से इन सब्जियों को अच्छे से फैला दें। आप गैस की फ्लेम को मंदी कर दें, और इसके ऊपर से मसाला भुरक दें, और तवे को चारों तरफ को घुमाते हुए, ताकि हमारा जो चीला है वो बीच बीच से ही ना सिक कर चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। उसे पका लें, और थोड़ा सा इस पर पनीर ऊपर घिस के डाल दें, और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना है जैसे हमने पहला चीला बनाया था। तो ये लीजिए, हमारा चीला ये भी बनकर यहाँ पर तैयार है। इसे भी नीचे से छुटा कर देख लेते हैं, तो ये आसानी से छूट जाता है, ये देखिए। और जबकि मैं इस चीले को ना सिंपल तवे पर ही बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल तवे पर ही चिपकता नहीं है, आप देख रहे हैं वीडियो में, आसानी से बन जाता है सिंपल तवे पर भी। और इस तरह से इसे भी फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, ये लीजिए, हमारे ये चीला भी बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर बाकी के सभी चीलों को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, ये रहे हमारे चीले यहाँ पर, इन्हें कर लेते हैं अब बीच से कट। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी साबुत भी दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें बीच से कट करके भी दे सकते हैं। तो इन्हें बीच से मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चीला यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, अंदर तक पका हुआ है, ना तो इसमें सब्जियाँ कच्ची हैं और ना ही चीला अंदर से कच्चा है, एकदम से बेहतरीन सा हमारा चीला बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं ये हरी चटनी के साथ। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसा जैसे कि हम शादी ब्याह में खाते हैं, उस तरह का हमारा चीला बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बेसन और सूजी का चीला अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।